दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं हचिको नाम की एक हॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है और जिसने भी इसे देखा वो इमोशनल ज़रूर हुआ है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है जहाँ टीचर बच्चों से उनके लाइफ के हीरो के बारे में पूछती है। एक लड़की अपनी लाइफ के हीरो के बारे में सबको बताती है और जाके बैठ जाती है। अब बारी आती है रोनी की। वो ब्लैकबोर्ड में जाके अपने हीरो का नाम हचिको लिखता है। वो सबको बताता है कि मेरी लाइफ का हीरो मेरे दादाजी का पेट डॉग था। ये सुन के सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। अब रोनी हचिको की कहानी सुनाना शुरू करता है। अब हम एक मॉन्ग को देखते हैं। वो एक पपी को पार्सल करके दूसरे शहर में भेज देता है। वो पपी जैसे ही दूसरे शहर में पहुँचता है वो अपने केस से बाहर निकल जाता है और यहाँ वहाँ घूमने लगता है। तभी वहाँ से गुजरते एक इंसान से वो टकराता है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि रोनी के दादाजी होते हैं। वो उस पपी को स्टेशन मास्टर के पास लेके पहुँचते हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर उस पपी को रखने से इनकार कर देता है। वो उनसे कहता है कि आप आज रात इसे अपने साथ ले जाइए, हो सकता है कि कल तक कोई ना कोई इसे लेने आ ही जाएगा। प्रोफेसर उस पपी को अपने साथ घर ले आते हैं। घर आते ही वो उसे अपनी वाइफ से छुपा के एक रूम में रख देते हैं। लेकिन रात को वो पपी रूम से निकल के प्रोफेसर के बेडरूम पहुंचता है, जहां उनकी वाइफ उसे देख के बहुत नाराज़ होती है और उस पपी को छोड़ के आने को कहती है। प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि कल मैं इसे वापस छोड़ दूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर स्टेशन मास्टर से पूछता है कि इसको लेने कोई आया या नहीं। वो इनकार कर देता है। फिर प्रोफेसर स्टेशन मास्टर को मिसिंग पोस्टर देके उसे अपने साथ काम पे ले जाते हैं। फिर वो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जिसे जैपनीज आती है। वो दोस्त प्रोफेसर को बताता है कि अकीता नाम की एक जैपनीज ब्रीड है जो बहुत खास है। फिर उसकी नज़र उसके लॉकेट पे पड़ती है जिस पर जैपनीज में हाची लिखा होता है, जिसका मतलब होता है गुड फॉर्चून। अब प्रोफेसर हाची को लेके घर पहुँचते हैं, जहाँ उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि क्या ये अब हमारे साथ ही रहेगा। प्रोफेसर कहते हैं कि जब तक कोई हची को क्लेम नहीं करता तब तक ये हमारे साथ रहेगा। तभी उन दोनों में बहस हो जाती है। इतने में हाची उनकी वाइफ का कुछ सामान तोड़ देता है, जिससे वो और भी नाराज़ हो जाती है। अब प्रोफेसर हाची को आउट हाउस में बंद कर देते हैं। रात को तेज़ तूफान आने की वजह से प्रोफेसर उसे उठाते हैं और घर ले आते हैं। फिर वो हची की ब्रीड के बारे में इंटरनेट पे सर्च करते हैं। फिर वो उसे छोड़कर सोने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन हची शोर मचाने लगता है। प्रोफेसर उसके साथ टीवी देखने का फैसला करते हैं, जहां वो टीवी देखते देखते सो जाते हैं। अगले दिन हम प्रोफेसर को हची के साथ खेलता देखते हैं, जहाँ वो हची को बॉल लाने को कहते हैं, लेकिन वो बॉल नहीं लाता। इसी दौरान प्रोफेसर की वाइफ को एक व्यक्ति का कॉल आता है जो इस डॉग को अडॉप्ट करना चाहता है। वो उसे फ़ोन होल्ड करने के लिए कहती है। तभी वो प्रोफेसर को हची के साथ खेलता देखती है और भावुक हो जाती है। वो फ़ोन पर कहती है कि हची को ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया गया है, अब हची उन्हीं के साथ रहने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर न्यूज़पेपर उठाने बाहर जाते हैं और हची बड़ा हो चुका होता है। एक दिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपने काम पर जा रहे होते हैं। हची भी उनके पीछे पीछे स्टेशन तक पहुंच जाता है। उसे देखकर प्रोफेसर को ट्रेन से उतरना पड़ता है। वो हची को बार बार घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन हची नहीं मानता। उन्हें वो ट्रेन छोड़नी पड़ती है और हची को लेके घर जाना पड़ता है। घर में उनकी वाइफ कहती है कि आप दूसरी ट्रेन लेके चले जाइए, इसे मैं संभाल लूँगी। अब हची दिन भर प्रोफेसर का इंतज़ार करता है। शाम होते ही ट्रेन का हॉर्न सुनकर वो स्टेशन पहुंचता है और एक जगह बैठ के उनका इंतज़ार करता है। जैसे ही प्रोफेसर आते हैं हची उनसे लिपट जाता है। प्रोफेसर अपने दोस्त से पूछते हैं कि क्या ये दिन भर यहीं बैठा था। वो बताता है कि ये 2 मिनट पहले ही आया है। अब ये सिलसिला यूं ही चलने लगता है। रोज़ सुबह हची प्रोफेसर को छोड़ने जाता है और शाम होते ही उन्हें लेने पहुँचता है। अब आस पास के सभी लोग हची को पहचानने लगते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर की बेटी का बॉयफ्रेंड उनके घर आता है, जहां वो हची के बारे में सुन के
बहुत खुश होता है और जाके हची के साथ खेलने लगता है। वो बॉल फेंक कर हची को लाने को कहता है। तभी प्रोफेसर उसे बताते हैं कि ये बॉल लाके नहीं देता। अगले सीन में हम प्रोफेसर को उसी दोस्त के साथ देखते हैं जिसने हची की ब्रीड और नाम बताया था। वो उनसे कहते हैं कि जब भी मैं बॉल फेंकता हूँ ये वापस लाके नहीं देता। उनका दोस्त उन्हें बताता है कि ये इन सब कामों के लिए नहीं बना है, ये एक स्पेशल ब्रीड है और इसका तुम्हारे साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जिस दिन ये बॉल लाके तुम्हें दे, समझ लेना कुछ खास बात है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर की बेटी की शादी हो रही होती है। कुछ दिनों बाद जब प्रोफेसर काम से लौटते हैं तो हची स्टेशन पे दिखाई नहीं देता। वो जाके अपनी वाइफ से हची के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि मैंने सुबह से उसे नहीं देखा। प्रोफेसर घर पहुंच के देखते हैं, हाची एक स्कंक पे भौंक रहा होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो घर की रक्षा कर रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर की बेटी घर आके अपनी माँ को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। फिर वो प्रोफेसर के पास जाती है जहाँ वो देखती है कि वो हाची को मसाज दे रहे हैं। वो उन्हें भी जाके ये खुशखबरी देती है और दोनों घर में आ जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर सुबह काम पे जा रहे होते हैं। वो हची को अपने साथ स्टेशन चलने को कहते हैं लेकिन हची उनके साथ नहीं जा रहा होता। उस दिन उसका बर्ताव कुछ अजीब था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब हची प्रोफेसर के साथ नहीं जाता तब वो अकेले ही चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हची बॉल ढूंढता है और उसे लेके प्रोफेसर के पास पहुंचता है। प्रोफेसर ये देख के बहुत खुश होते हैं लेकिन वो उसका इशारा समझ नहीं पाते। वो थोड़ी देर उसके साथ खेलते हैं और फिर अपने काम पे निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को पियानो सिखा रहे होते हैं। थोड़ी देर तक वो उनसे बातें करते हैं लेकिन अचानक उन्हें स्ट्रोक आता है और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। उसी शाम हम देखते हैं कि हची स्टेशन पे बैठ के उनका इंतज़ार कर रहा होता है। बहुत समय होने के बाद प्रोफेसर की बेटी का हस्बैंड आके हची को घर ले जाता है। दूसरी सुबह प्रोफेसर की बेटी हची से मिलने आती है लेकिन वो उसे प्रोफेसर के फ्यूनरल पे लेके नहीं जाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग घर खाली कर रहे होते हैं। प्रोफेसर की बेटी हची से कहती है कि अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। वो हची को गाड़ी में बैठा के अपने घर ले जाती है। घर में हम देखते हैं हची बहुत उदास बैठा रहता है। जैसे ही गेट खुलता है वो भाग के रेलवे ट्रैक पहुंचता है। अब वो आती जाती ट्रेन को देखकर अंदाज़ा लगाता है कि स्टेशन कहाँ पे होगा। फिर वो ढूंढते ढूंढते उसी स्टेशन पहुंचता है और उसी जगह जाकर बैठ जाता है और प्रोफेसर का इंतज़ार करने लगता है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद प्रोफेसर की बेटी और उसका हस्बैंड आके हाची को बेल्ट बांधते हैं और उसे अपने साथ घर ले आते हैं। घर में हम देखते हैं कि हाची बहुत उदास रहता है और वो कुछ खा पी भी नहीं रहा होता। तभी उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है और वो स्टेशन की तरफ देखने लगता है। लेकिन प्रोफेसर की बेटी आके उससे कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम जा सकते हो। और फिर वो गेट खोल देती है। हची वहाँ से भाग के स्टेशन पहुँचता है। अब वो एक खड़ी ट्रेन के नीचे अपना ठिकाना बना लेता है और रोज़ सुबह शाम वो उसी जगह बैठ के प्रोफेसर का इंतज़ार करता है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। तभी एक दिन एक ब्लॉगर स्टेशन मास्टर के पास आता है। वो उस कुत्ते के बारे में पूछता है। स्टेशन मास्टर हची की पूरी कहानी उस ब्लॉगर को बताता है। वो ब्लॉगर उन दोनों की फ़ोटो लेके अपने ब्लॉग में पब्लिश कर देता है। हची का ब्लॉग पढ़ के दुनिया भर से उसके लिए लेटर और पैसे आते हैं। उन पैसों का इस्तेमाल स्टेशन मास्टर हची के खाने पीने के लिए करता है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और 10 साल बीत जाते हैं। अब हची बूढ़ा हो चुका है लेकिन आज भी वो प्रोफेसर का इंतज़ार करता है। तभी एक दिन प्रोफेसर की वाइफ अपना पुराना घर देखने आती है। जब वो वापस जा रही होती है तभी उसकी नज़र हची पे पड़ती है। वो हची को देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर वो हची के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम आज तक प्रोफेसर का इंतज़ार कर रहे हो। फिर वो वहीं बैठ के ट्रेन का इंतज़ार करने लगती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने पोते रॉनी को हाची की फोटो दिखा के उसकी कहानी बता रही होती है। उसी रात हम देखते हैं कि हची उसी जगह जाके बैठता है और उसे पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हची की वहां पे मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और रॉनी क्लासरूम में खड़े होके कहानी सुना रहा होता है और सभी बच्चे इमोशनल होके कहानी सुन रहे होते हैं और मूवी का यहीं पे अंत होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।